कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो So friends, after watching this song, you must have understood where we are. We are here at Old Age Home. From our college, we got chance to go to Old Age Home with our colleagues. And we felt very nice to meet old people. So my first question is from you. And I'm going to have where some are you interrogation right now? With one of my colleagues. Where are you right now? चले अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग कहाँ पे हैं? ओल्ड एज होम. ओल्ड एज होम दैट मीन्स वृद्धाश्रम. हम इंग्लिश में टीचर से बात कर रहे हैं तो हमको सही से बोलना पड़ेगा. यस यस ओके. सेकंड थिंग, सो हाउ आर यू फीलिंग हियर टू बी? हाउ आर यू फीलिंग टू बी हियर? नो प्रॉब्लम, आई स्पीक इन हिंदी. कुछ खास फील नहीं हो रहा है? यस यस. चलिए ओके. बट नो यस. बट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, when I heard the name of Old Age Home, I felt very excited and I was also very sensitive to hear this name, that I'm getting chance to go to Old Age Home. Yes. 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 जी. और हम अपने दादाजी का तो अभी भी हम उतना केयर करते हैं, हम सोचते हैं कि वो चले जाएंगे तो क्या होगा. हम अभी ये सोचते हैं, पर ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा बुरा बात है कि लोग यहाँ पे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं. और ये लगता है, हमको लगता है लाइफ का उनका सबसे बड़ा गलती है. जी जी. और ये लाइफ का नहीं, हर जन्म में भी उनको इस चीज़ का कहते ना भुगतान नहीं मिलेगा. अपने फादर मदर को कभी भूलना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा बात है. और यहाँ वही एक चीज़ है कि हम भी जानते थे कि मतलब आना चाहते थे ओल्ड एज होम, और मेरी बहन को हम बताए थे तो बोले मेरे को भी ले जाओ, मैं भी उन्हें कुछ दूंगी या उनसे मिलूंगी. तो मेरे को लगा मुझे अभी और चलेंगे, ये मेरे कॉलेज की वजह से हम जा रहे हैं. तो ये एक अच्छा बात है कि सर हमें को यहाँ पे मौका दिए जाने का. इनको तो बहुत मन था, अभी इनका सपना पूरा हो गया सारे. पर अभी देखिए क्या होता है, मिलते हैं. अभी तो ऐसा कुछ फील नहीं हो पा रहा है. फिलहाल वी हैव नॉट मेट द पीपल हु आर हियर. After meeting, we shall see in what condition they are, how they are living here, whether they have a smile on their faces or not. We shall see lot of things on their faces or in them. Then we shall understand about the condition of those people here. So now finally, what message would you like to give to the people who give up their parents, who leave their parents? And सबसे बड़ा बात ये है कि हम लोग अपने मम्मी पापा को किसी भी condition में नहीं छोड़ना चाहिए. चाहे वो बूढ़े हो गए या कुछ हो गए. मेरे दादाजी अभी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, तो वो खाना को गिरा देते हैं. ठीक है, तो बात ये ना कि हम लोग साफ कर देते हैं. उनका माइंड थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं है तो वो हमें डांट देते हैं, तो हम लोग उस चीज़ सुन लेते हैं. क्योंकि क्या हमें पता है कि वो उस कंडीशन में नहीं है. और उनका ख्याल रखने के लिए सिर्फ हम ही नहीं है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है. जो कि मेरे पापा बीमार रहते हैं, फिर भी वो अपने पापा को दवा देते हैं. वो खुद का दवा खुद से नहीं लेते, उनका दवा हम लेते हैं पर वो अपने पापा को दवा देते हैं. तो ये भावना उनके अंदर होने चाहिए सबसे बड़ी बात. और दूसरा मेरा भाई, वो मेरे दादाजी को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता, एक बच्चों की तरह रखता है. तो ये चीज़ हम लोग अपने घर के इन्वायरमेंट में सीखे, हम अपने पापा से सीखे कि वो अपने पापा का केयर कैसे करें, क्योंकि हम उनका केयर कर पा रहे हैं. ये सबसे बड़ा बात है इन्वायरमेंट. आप अपने घर का इन्वायरमेंट कैसा दोगे? मेरे अंकल आंटी वो केयर नहीं करते हैं, तो उनके बच्चे अब उनके साथ वो करते हैं. And yes, one thing is here to learn from this, that everyone's turns comes in his life. Okay. सबसे बड़ी बात है कि आप जो कर रहे हो आपके बच्चे वो सीखेंगे. Yes. फिर आपको वही चीज़ भुगतना पड़ेगा. They will also do the same with you. कहीं और जाके नहीं मिलने वाला. दूसरी बात तो एक ही बात है कि अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए.
रियली कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने दादा दादी को भी नहीं, क्योंकि उनसे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते, वो ही हमारे सबसे बड़े मम्मी पापा, बड़े मम्मी पापा तो वही कहलाते हैं। जैसे मेरे दादाजी मेरे को बचपन से बहुत कुछ सिखाए हैं, आप जैसे इंग्लिश में बात करें वो मेरे से ज्यादा इंग्लिश में वो बात करते हैं, इंग्लिश में मेरी स्पीकिंग उतना नहीं है, व्हाई आर यू लाफिंग, व्हाई आर यू क्राइंग, वर यू डर्टी गर्ल, ऐसे करके वो छोटे छोटे इंग्लिश बोलते हैं पर वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। दादी का प्यार तो कभी नहीं मिल पाया क्योंकि बचपन में ही दादी चली गई थी, पर दादाजी हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं और अच्छे रहे हैं और वो हमारे साथ ही रहते हैं। और हमें मेरे तीन अंकल हैं पर मेरे पापा का कहना है कि मेरे पिताजी मेरे साथ ही रहे। You love your grandfather too much? Of course. पहली बात उनसे मैं लड़ती भी बहुत हूँ, बचपन में दो साल पहले मैं उनसे लड़ती भी थी, पर प्यार में कोई कमी नहीं है। मैं उनका खाना दवा हुआ सब देखती हूँ, मैं और मेरी मम्मी देखते हैं, ये दोनों काम करते हैं, बांट दिए कि वो आप देखो ये देखोगे, पर हाँ प्यार बहुत है। अभी भी हम सोचते हैं कि इनके जाने के बाद शायद दुख होगा, नहीं बहुत ज़्यादा दुख होगा, ये अभी आई थिंक यू हैव अ ग्रेट अटैचमेंट टू योर ग्रैंड फादर मोर देन योर डैड ऑल्सो। उनके साथ बहुत अटैचमेंट है, वो बहुत कुछ हम लोग को सिखाए भी हैं, हम लोग को पढ़ाए भी हैं, चीज़ें भी बहुत सिखाए, और वो एक बहुत अच्छे मतलब इंसान भी रह चुके हैं, क्योंकि वो वहाँ के वार्ड पर्सन थे, इस वजह से वो बहुत अच्छा अच्छा काम किए थे, उनका यहाँ पे नाम भी बहुत है, उनसे हम लोग ने सीखा भी बहुत। हैव यू सीन योर ग्रैंड मदर? नहीं, 6 months की ही थी तब मैं, मेरी यू आर ओनली 6 months ओल्ड व्हेन शी डाइड। मेरी ग्रैंडमदर चली चुकी थी, बस मैंने उनको फोटो में देखा था, इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। या ओके देन आई थिंक योर ग्रैंडफादर इज अलोन एंड इन दिस सिचुएशन यू पीपल मस्ट गिव सपोर्ट टू हिम, वेरी गुड। चले आई हैड अ नाइस कन्वर्सेशन विद यू अबाउट दिस। आपको क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे।